और अगर आप हमारे चैनल में नए देखे, सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सूचना मिलती रहे नए वीडियोस की। आगे बढ़ते हैं, आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। वो इसलिए करीब है क्योंकि उसके मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और हर घर में इस्तेमाल होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। तो सबसे अच्छी बात यही है, बिजनेस टू कस्टमर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आगे आने वाले 10 साल नहीं, मुझे लगता है कि 5 सालों में 10 साल वाला रिटर्न से ज़्यादा दे के रहेगा। ये देखिए, कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, सेक्टर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। 10 अप्रैल है 2019, 11:29, करीब 11:30 बज चुके हैं और BSE पे इसका जो भाव ट्रेड हो रहा है 756.40 रुपये पे। 52-week लो था 514 रुपये और हाई था 783 रुपये, मतलब आसपास ही है, बीच में ही है। और लोग क्या कह रहे हैं देख लीजिए, 100% लोग कह रहे हैं बाई इट, जानते हैं, उनको पता है कि कंपनी ज़बरदस्त है। और अगर हम स्टैंड अलोन पे हैं और मार्केट कैफ है इसकी 47,220 करोड़ की, EPS है 12.96 रुपये, PE इसका 58.25 की और बुक वैल्यू है 59.78, प्राइस टू बुक है 12.63 की, इंडस्ट्री PE है 53.66 के, डिलीवरेबल है 38.89 की और फेस वैल्यू है 1 की। मतलब अगर 10 की फेस वैल्यू जब रही होगी तो इसका भाव बहुत ज़्यादा रहा, मतलब अगर फेस वैल्यू नहीं टूटती और अगर बोनस कंपनी नहीं देती तो इनके जो प्रीमियम होते हैं ज़बरदस्त बढ़े होते हैं। तो फेस वैल्यू टूटने का मतलब है कि उसके 10 टुकड़े हो जाना या 10 से 1 में अगर आती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट पे सबसे पहले मैं कर्जा देखता हूँ और कर्जा देखिए 108 रुपये का है, जो कि बहुत ही कम है, मतलब ज़ीरो, समझिए आप, ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाला हिसाब है यहाँ पे। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट देख लिए जी, देखिए नेट प्रॉफिट है 18 दिसंबर के ही क्वार्टर के, अगर देख लें 195 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो चाहे तो 108 रुपये इनके लिए चुटकी का काम है, ख़त्म कर सकते हैं। नेट सेल्स जहां मार्च 18 में थी 2,534 करोड़ की, जून 18 में हो गई 2,596 करोड़ की और सितंबर 18 में 2,190 करोड़ की, यहां थोड़ी सी डाउन साइड रही इस क्वार्टर में, और दिसंबर 18 में अगेन 2,518 के नेट प्रॉफिट। मार्च 18 में 225, जून 18 में 210, सितंबर 18 में 178 और दिसंबर में 195 करोड़ की, तो यहां पे डाउन साइड है। सॉरी, तो पहले हम आपको एक झलक प्रोडक्ट के भी दिखाएंगे। देखिए, एक दो क्वार्टर के प्रॉफिट और नेट सेल्स में थोड़ी कमी आने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स ख़राब हो गए हैं, इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। आप होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपनी है, फैंस, वाटर हीटर, एयर कूलर्स, स्विचेस, पर्सनल ग्रूमिंग्स, पम्प्स, फ्लेक्सिबल केबल्स, लाइटिंग, वाटर प्यूरिफायर, कितने ज़बरदस्त इसके प्रोडक्ट्स हैं और हर घर में प्रयुक्त तो होते हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया इनके प्रोडक्ट्स, चाहे फ़ैन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे जूसर्स हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स से लेके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तक बनाती है। सॉरी, और सीलिंग फैन, सीलिंग माउंटिंग फैन, डोमेस्टिक एग्जॉस्ट, पेडेस्टल फैंस, पर्सनल फैंस, प्रीमियम एग्जॉस्ट, टेबल फैंस, वॉल फैंस, अप्लायंस में देखिए मिक्सी विक्सी और इतने सारे ज़बरदस्त जो हर घर में प्रयुक्त होने वाले, आदमी को मजबूरन लेना ही पड़ता है। ये देखिए, परफेक्ट बियर्ड एवरीडे नेट ट्रिमर इन 3 कलर्स, द हॉटेस्ट इनोवेशन इन वाटर हीटर्स, हैवेल्स पानी से पंगा, मतलब अब घर घर हर आदमी इंसान साफ पानी पीना चाहता तो ऑब्वियसली प्योरीफायर तो लगाएगा ही लगाएगा। तो चाहे माइक्रोन ऑन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे आयरन हो, चाहे ब्लेंडर्स हो, चाहे फैंस हों, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड क्वालिटी कंपनी है, वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव दिखा रहा है और फाइनेंशियल ट्रेंड पे पॉजिटिव है। ये देखिए रिटर्न हम दिखा रहे हैं 10 सालों में 44.94%, मतलब करीब 4,500 के आसपास इसके 10 सालों में रिटर्न है। और आपका पैसा अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 45 लाख 46 लाख हो गए होते। 5 सालों में 313 है, 4 सालों में 158%,
और 3 सालों में 127%, 2 सालों में 60%, 1 ईयर में 41%, ईयर टिल डेट 9.323%, 6 मंथ में 23%, 24% करीब, 3 मंथ्स में 9.85%, 1 मंथ में 3.91% और 1 वीक में थोड़ी सी डाउन साइड है, 1 डे में भी 0%, 0.75% की डाउन साइड है। तो लगातार ग्रीन में आप देख रहे हैं, हमेशा इसने रिटर्न दिया है और 10 सालों में तो ज़बरदस्ती दे दिया है। आइए हम एनुअल देख लेते हैं, एनुअल रिजल्ट्स भी इसके हम देख लेते हैं। देखिए एनुअल में जहाँ नेट सेल्स मार्च 17 में थी 6612 की, मार्च 18 में हो गई 8269 करोड़ की और ज़बरदस्त 25% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 818% की 27.53% की जहाँ अपसाइड दिखा रहा है और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 33.94% की और मार्जिन भी देखिए 0.25%, ज़बरदस्त। प्रमोटर्स के पास 59.55% के होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, नॉन प्लेस्ड प्रमोटर, नॉट प्लेस्ड एनी शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो होल्डिंग भी कितनी ज़बरदस्त है, 60% के आसपास है और म्यूचुअल फंड की 29 स्कीम्स ने पैसे लगा रहे, FIIs की 446, कितने समझदार है FIIs, 26.54% की इनकी होल्डिंग है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड 5.28%। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, देखिए हम आप जैसे खुदरा ग्राहक ऐसी कंपनियों में कमी लगाते हैं, पता नहीं क्या और डर जाते हैं शायद कि अरे बहुत महंगा प्रीमियम है, 5.96% की इंडिविजुअल्स की है और 4 रुपये पर शेयर का ये डिविडेंड देता है, ज़बरदस्त। अपनी इंडस्ट्री में फर्स्ट नंबर पे देखिए, नंबर वन केबल हैवल्स 1983 से काम कर रही है। अब ऐसे स्टॉक के बारे में मैं क्या कहूँ जिनके घर घर प्रोडक्ट्स बिकते हों, चाहे वायर्स हों, चाहे केबल्स हों, चाहे स्विचेस हों, चाहे बोर्ड हों, चाहे कितने ज़बरदस्त छोटी छोटी चीज़ों लेके इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रॉनिक से, फैन से लेके कितने, आपको दिखाई दिया मैंने एक झलक, आप भी अपने इसी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं हैवल्स इंडिया के ज़रूर। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दें। और मैं बोनस के चार्ट पे आ गया हूँ कि इसने बोनस लास्ट टाइम कब दिया था। देखिए बोनस इसने 2005 को दिया था, फिर 2006 को दिया था, फिर 2010 को दिया था, एक पे एक, मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो हो गए हैं, दो हैं तो 4 हो गए हैं, 100 हैं तो 200 हो गए हैं, 1000 शेयर तो 2000 हो गए हैं। तो ऐसे इसने बोनस दिया था, अब कभी बोनस दे सकती है आने वाले समय में, तो ज़बरदस्त कंपनी ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ करते ही जा रहे हैं। नेट सेल्स ज़बरदस्त देखा आपने, नेट सेल्स में बढ़ोतरी थी एनुअल में। तो फ्रेंड्स मैं, मेरे दिल के करीब ये कंपनी है और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और मैं पर्सनली ये भी कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स आपको रखने चाहिए, अलग सेक्टर का स्टॉक है, अलग सेक्टर से रखिए। और दूसरी चीज़, कभी भी एक स्टॉक या एक सेक्टर में पैसे पूरे मत लगाइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है और कई वीडियोज़ मैंने रिपीट किया हो, इससे आप जागरूक रहें और आपका पैसा डूबने से बचे। मैं जनरली कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं 10 रुपये या 5 रुपये वाले स्टॉक के बारे में, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं बताता कि आप उनको भर लो या आप लाखों शेयर्स ले लो, बजाय अच्छी कंपनी की, गुड क्वालिटी की कंपनी की कुछ शेयर्स ले लो कुछ सालों में, 10 से 15 सालों में, 20 सालों में, 5 हो सकता है कि 5 सालों में, जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ हो रही आने वाले समय में, आपको बोनस डिविडेंड तो देती ही देती है। आपने कई आपने मान लो SIP भी किया, आपने भर लिया धीरे 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 धीरे, आपने इतने शेयर्स जोड़ लिए कि उनका डिविडेंड ही इतना आएगा कि महीने का खर्चा तो आपका उसी से चल जाएगा और वो भी टैक्स फ्री होता है तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ज़रूर खरीदा करिए। बाकी ये मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कुछ कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।